हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष सर। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले फॉरेन एक्सचेंज का अप्रैल 2016 का सम, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, देखो, कृष्णा लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम स्काईलार्क लिमिटेड। अब इम्पोर्टेड बोला है तो मैंने आपको कल क्या सिखाया था, क्वेश्चन की स्टार्टिंग पढ़ने का, आप सीधा लास्ट सेंटेंस पढ़ो तो आपको समझ में आएगा आपकी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। तो Also prepare the FEF account in the books of Krishna Limited और you are required to pass the JNTs in the books of Krishna। यानी हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, Krishna Limited के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे Krishna Limited ने क्या किया, Krishna Limited imported goods from Skylark, यानी Krishna Limited कौन है, importer है। तो हमें जो भी JNTs पास करनी है, हम लोग को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पास करनी है, importer के पॉइंट ऑफ व्यू से पास करनी है। अंडरस्टूड? डिफिकल्टी पक्का? नो। अब कृष्णा लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम स्काईलार्क लिमिटेड ऑफ USA वर्थ $300,000 ऑन 31st October 2014 व्हेन द एक्सचेंज रेट वॉज 65। तो ये 65 रुपीज़ हमारा कौन सा रेट हो जाएगा, डीलिंग रेट हो जाएगा। यानी इस सब में हमारा डीलिंग रेट कितना है, 65 रुपीज़ है। अंडरस्टूड? 65 रुपीज़ हमारा क्या हो गया, डीलिंग रेट। अब द इंस्टॉलमेंट वॉज पेड एज फॉलोज, यानी नीचे हम लोगों को कुछ पेमेंट दिया है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये पेमेंट के डेट्स 15 नवंबर, 15 मार्च, 20 अप्रैल एंड 10-1। तो एज यू सी, ये जो दो पेमेंट आ रही है कौन कौन सी, 20 अप्रैल और 10 जनवरी की, ये दो डेट्स जो है वो 31st मार्च के बाद की डेट्स है, ठीक है। कौन से डेट की बाद की डेट है, 31st मार्च। यानी 31st मार्च को हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग, और क्लोजिंग करने के पहले क्या बाद क्या आ रहा है, पेमेंट आ रहा है। यानी यहाँ पर हमें आउटस्टैंडिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। कृष्णा लिमिटेड क्लोज और ब्यू बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ऑन 31st मार्च 2015 द एक्सचेंज रेट वॉज 61 रुपीज़। तो ये मेरा क्लोजिंग रेट हो गया। कौन सा रेट हो गया, क्लोजिंग रेट हो गया। डिफिकल्टी यहाँ तक, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दी जय एंट्रीज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कृष्णा लिमिटेड इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम स्काईलार्क, यानी माल खरीदा है तो इम्पोर्ट परचेज बोलेंगे। तो इम्पोर्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू स्काईलार्क लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या आएगा, स्काईलार्क। तो देखो पहला एंट्री क्या आएगा, तारीख 15 नवंबर 2014। क्या दिया है, पहला परचेसेस अकाउंट डेबिट। तो परचेसेस में क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट परचेसेस अकाउंट डेबिट टू स्काईलार्क, ठीक है। अब यहाँ पर डॉलर कितना आएगा, $300,000 है। कितना डॉलर्स है, $300,000 है। सबसे पहले कृष्णा लिमिटेड इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम स्काईलार्क लिमिटेड ऑफ USA $300,000 ऑन 31st October 2014। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले 31st October 2014 माल खरीदा है तो क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट परचेसेस, इम्पोर्ट परचेसेस अकाउंट डेबिट किससे खरीदा है, स्काईलार्क लिमिटेड से। तो स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट। डिफ़िकल्टी कितना, $300,000 एट द रेट ऑफ 65 रुपीज़, डीलिंग रेट एज वी डिस्कस, मल्टीप्लाइड कर दो 1 crore 95 lakhs, 1 crore 95 lakhs। डिफ़िकल्टी नहीं, ठीक है। उसके बाद उसका पेमेंट कैसे कर रहे, देखो चार इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें, जिसमें से दो इंस्टॉलमेंट 31st मार्च के पहले है और बाकी की दो इंस्टॉलमेंट 31st मार्च के बाद है। तो जो पहले की इंस्टॉलमेंट है उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो कैसे करेंगे, 15/11/2014 को फर्स्ट पेमेंट है। तो एज वी डिस्कस इन दी इंट्रोडक्शन लेक्चर, कैसे करेंगे, पार्टी अकाउंट डेबिट, स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब पार्टी के नाम क्या है, एक्सचेंज रेट आएगा, पार्टी के नाम के आगे क्या आएगा, एक्सचेंज रेट आएगा, और बैंक के नाम के आगे डीलिंग रेट आएगा। तो व्हाट इज़ आर डीलिंग रेट, 64। कितना डॉलर का पेमेंट है, $100,000 का पेमेंट है, $100,000।
तो 1 लाख इंटू 65 65 लैक्स, 1 लाख इंटू 64 64 लैक्स। अब देखो दोनों में से एक डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, तो एज यू सी डिफरेंस आपको कहाँ पर मिल रहा है, क्रेडिट साइड में मिल रहा है। तो इस क्रेडिट साइड को हम लोग 1 लाख रुपीज़ लिखेंगे और यहाँ पर FEF अकाउंट आ जाएगा। आपको ऐसा इस्तेमाल नहीं करना, डबल डबल पेन का इस्तेमाल नहीं करना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ कि FEF अकाउंट किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। अच्छा, FEF अकाउंट क्रेडिट में आया तो क्या लिखोगे, बींग मेड अ पेमेंट एट प्रॉफिट, यानी मुझे 65 रुपीज़ देना था लेकिन मैं 64 दे के ही छूट गया, यानी 1 रुपया मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आप क्या करना है, ऐसे करोगे, पार्टी नाम क्या आगे 65 यानी डीलिंग रेट लिख दिया, बैंक के आगे एक्सचेंज रेट लिख दिया। अब दोनों का अमाउंट लिखने का, देखने का कौन सा अमाउंट डिफरेंस लग रहा है, तो जहाँ डिफरेंस आ रहा है वहाँ पर FEF अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। सेम 15/3/2015 देखो $50,000 है 66 के रेट से। सेम तरीके की एंट्री, स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट डेबिट टू बैंक एज वी डिस्कस, व्हाट इज माई डीलिंग रेट 65 एंड द एक्सचेंज रेट इज 66। तो अब डॉलर कितना दिया, $50,000 दिया, $50,000। तो 50,000 × 65 32,50,000 50,000 × 66 33 लैक्स। अब डिफरेंस देखोगे तो आपको डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा डेबिट साइड में 50,000 का, तो इसको बोलेंगे FEF अकाउंट डेबिट। FEF मतलब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट। बींग मेड अ पेमेंट एट लॉस 65 रुपीज़ देना था, 66 रुपीज़ देना पड़ा, तो 1 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं, तो ज़्यादा दे रहे इसलिए क्या हो गया, लॉस। नेक्स्ट, अब 31 मार्च के बाद ये दो डेट्स का पेमेंट जा रहा है, 31 मार्च के बाद क्या दो पेमेंट जा रहा है, तो 31 मार्च को हम लोग पहले क्या करेंगे, क्लोजिंग करेंगे। तो क्लोजिंग करने के टाइम पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि क्लोजिंग करने के टाइम पे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग के केसेस आ रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे मैं रेड से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए कैसे आउटस्टैंडिंग एडजस्ट करना है। सबसे पहले कैलकुलेशन देखते हैं, हमको 3 लाख रुपये का टोटल पेमेंट था जिसमें से 1 लाख 50 का पेमेंट ऑलरेडी हो गया और ये 1 लाख 50 का पेमेंट आने वाला है, फ्यूचर में आने वाला है। तो हम लोग कैसे करेंगे, मैंने कैसे बताया था, 1 लाख 50 थाउजेंड इज आउटस्टैंडिंग डॉलर, कितना डॉलर बाकी है, इनटू डिफरेंस इन रेट। तो व्हाट इज़ योर डीलिंग रेट 65 एंड व्हाट इज़ द क्लोजिंग रेट 61। तो कैसे बताया था मैंने, 61 माइनस 65 क्लोजिंग माइनस, ऐसा बताया था, ठीक है। तो आपका डीलिंग रेट कितना है 65, क्लोजिंग रेट कितना है 61, तो 4 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 लाख 50 × 4 कितना हो गया, 6 लाख। 1 लाख 50 × 4 65 मेरा क्या है डीलिंग रेट, 61 मेरा क्या है क्लोजिंग रेट, मतलब 65 रुपीज़ से मुझे पेमेंट देना था, मैंने परचेस किया था, परचेस करने के बाद मुझे पेमेंट क्या करना, देना है। तो आज के बाद मुझे 65 रुपीज़ नहीं देना, आज के बाद मुझे 61 रुपीज़ का पेमेंट देना है। तो यानी 61 का पेमेंट, यानी 4 रुपये मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। वापस बोल रहा हूँ, मैंने खरीदा 65 के हिसाब से था लेकिन 31 मार्च के बाद मेरे को 61 के हिसाब से पेमेंट देना है, तो 4 रुपये मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो एंट्री क्या पास करेंगे, पार्टी अकाउंट डेबिट, स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट, कितना 6 लाख रुपीज। कोई दिक्कत, पक्का, कैसे एंट्री पास करना समझ में आया, 65 रुपीज़ के हिसाब से हमने खरीदा था लेकिन आज के बाद 65 रुपीज़ नहीं पे करेंगे, 61 पे करेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 रुपीज़ का डिफरेंस आया। तो 1 लाख 50 × 4 कितना होगा, 6 लाख। अब 31 मार्च हो गया मेरा, क्लोजिंग यानी आउटस्टैंडिंग का सेटल कर दिया मैंने, आउटस्टैंडिंग का सेटल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ट्रांसफ़र की एंट्री पास करनी है। अब ट्रांसफ़र की एंट्री कैसे पास करेंगे, जब तक आप FEF अकाउंट नहीं बनाओगे तब तक आपका ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है, ठीक है। कैसे पास करेंगे, देखो फर्स्ट एंट्री में FEF था, यस, कहाँ था, टू FEF था। तो हम लोग क्या करेंगे, FEF अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, बाय स्काईलार्क लिमिटेड, तारीख 15/11/2014, अमाउंट 1 लाख रुपीज़। उसके बाद
सेकेंड वाला FEF अकाउंट डेबिट है, तो FEF अकाउंट के डेबिट साइड में जाइए 15/3/2015 टू बैंक अकाउंट, यानी पोस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, अमाउंट 50,000। थर्ड Skylark लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू FEF, तो FEF अकाउंट के क्रेडिट में जाइए बाय Skylark लिमिटेड 6 लाख, अमाउंट सॉरी डेट 31 मार्च 2015। अब क्या करोगे, आप क्लोज करोगे, तो 6+1 कितना हो गया, 7 लाख हो गया। 7 लाख मैंने भी ऐसा एज इट इज लिखा, उसमें से 50,000 गया, तो बचा कितना 6,50,000। इस 6,50,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस, तारीख 31 मार्च 2015। अब इसकी एंट्री पास करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,50,000। डिफ़िकल्टी नहीं, अगर आपने बेसिक्स कवर किया रहेगा तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। उसके बाद नॉर्मल एंट्री वापस स्टार्ट हो जाएगी, आपने आउटस्टैंडिंग भी एडजस्ट कर दिया, आपने क्या कर दिया PNL ट्रांसफ़र भी कर दिया। अब आपको क्या करना है, आगे सम्स प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के टाइम पे सेम चीज़ याद रखोगे, 24 और 10/1 को आपको पेमेंट देना है 50,000 $1,00,000 का, तो पेमेंट के लिए एंट्री विल बी द सेम 24/2015। कंपनी का नाम क्या है, Skylark, तो Skylark लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। डॉलर कितना है, $50,000 का पेमेंट देना है, $50,000। एज वी डिस्कस, आज के बाद 65 नहीं देना पड़ेगा, 61 देना पड़ेगा, तो यहाँ पे डीलिंग रेट हो जाएगा 61 एंड बैंक का रेट दिया 63, ठीक है, तो 50,000 into 61 तो 30,50,000 into 63 31,50,000। तो एज यू सी कि डिफरेंस आपको कहाँ पर मिल रहा है, डेबिट साइड में मिल रहा है, कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 1,00,000 रुपीस का, तो यहाँ पर आप लिखोगे FEF अकाउंट डेबिटेड, क्लियर, बींग मेड अ पेमेंट एट लॉस, ठीक है। सेम आपको वापस सेम तरीके की एंट्री पास करनी है 10/1 को, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वापस से कंपनी का नाम Skylark लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अमाउंट कितना आएगा, $1,00,000 बोला है, $1,00,000 एज इट इज़ लिखा मैंने। अब व्हाट इज़ माय एक्सचेंज डीलिंग रेट, 61 चेंज हो गया, एंड व्हाट इज़ माय एक्सचेंज रेट भी 61 है, मतलब देर इज़ नो डिफरेंस। तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, सीधा सीधा 61 लाख यहाँ पर भी लिखोगे और 61 लाख यहाँ पर भी, यानी दो देर इज़ नो डिफरेंस, तो नो FEF अकाउंट, बींग मेड अ पेमेंट, सब खत्म, पूरा पेमेंट हो गया। अब क्या करोगे, 31 मार्च को आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे, तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको FEF अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एज यू सी कि 31 मार्च के बाद, ठीक है, 31 मार्च के बाद सिर्फ एक ही जगह पर FEF आया है, FEF अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पर FEF अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू बैंक अकाउंट 1,00,000, 24/2015। यहाँ पर FEF अकाउंट आया ही नहीं है, तो सीधा सीधा क्या करो, ट्रांसफ़र करोगे, सीधा सीधा क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 1,00,000, 31 मार्च 2015, ठीक है, यही मेरा डिफरेंस हो गया, 1,00,000 यहाँ पर भी आ गया, 1,00,000 यहाँ पर भी आ गया। अब एंट्री PNL अकाउंट डेबिट टू
एफ ई एफ अकाउंट, ठीक है, अमाउंट 1 लाख 1 लाख, ठीक है। डिफ़िकल्टी सम खत्म,